हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो ऑप्टिक्स का लेक्चर अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, पार्ट वाइज आ रहा है। आप लोग मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके ऑप्टिक्स के लेक्चर्स को देख सकते हैं। पार्ट अगर आप लोगों ने पहले नहीं देखा है तो फर्स्ट लेक्चर से देखना शुरू करेंगे, है ना। और जिसको जो भी लेक्चर देखना है वो लेक्चर नंबर के हिसाब से दिया हुआ है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, और जिस लेक्चर में जो बात है, जो चीज़ पढ़ाया गया है वो भी लिखा गया है ना। तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं यूट्यूब पे, नए आए हैं, अभी मेरा इनिशियल चैनल है, नया शुरू हुआ है, तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने जितने भी दोस्त हैं, स्टूडेंट मित्र जितने भी हैं तुम लोगों के, सबको शेयर करो और सबसे सब्सक्राइब वगैरह करवाओ। ओके, चलो फिर बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ बिना किसी कन्फ्यूजन के। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स, है ना। ये वो है स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर जो होता है वो किसी होलो ग्लास स्फेयर का पार्ट होता है ना। किसी ग्लास, कांच का कोई गोला है जो अंदर से खाली है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, होलो ग्लास स्फेयर बोलेंगे। और उसको कुछ इस तरह से अगर काट लें, इस भाग को काट के अलग करके कुछ यहाँ लिख दें और इस भाग को काट के कुछ यहाँ लिख दें ऐसे, है ना। काट लिया है किसी चीज़ से, शीशा काटने वाले किसी चीज़ से काट के ग्लास के पार्ट को अलग कर लिया है। अब क्या करें, इसके एक साइड में हम लोग पॉलिश कर दें, है ना। क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, ये पॉलिश्ड साइड है इसका। तो दूसरा साइड चमकने लगेगा, अगर एक साइड पॉलिश करेंगे तो दूसरा साइड चमकने लगेगा। और ये चमकने वाला साइड क्या बनेगा हम लोगों का, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। चमकने वाला साइड क्या बनेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा। अब मन हुआ कि इस मिरर का जो है, इस कांच के टुकड़े को हम लोग इस साइड पॉलिश करें, इस तरफ पॉलिश करें, अंदर की तरफ, ठीक है। तो अंदर की तरफ पॉलिश करेंगे तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, पॉलिश सरफेस, है ना। ये पॉलिश सरफेस है और इस तरफ वाला है चमकने वाला सरफेस, मतलब ये रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया है, एक कांच के टुकड़े को, एक टुकड़े को इस तरफ पेंट किया है और एक टुकड़े को अंदर की तरफ पेंट किया है। जिस टुकड़े को इस तरफ पेंट किया है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ से रिफ्लेक्शन का काम ले रहे हैं, उस मिरर का नाम होगा कॉनकेव मिरर। किसका नाम होगा कॉनकेव मिरर, किसका नाम होगा कॉनकेव मिरर, जिस मिरर का उभड़ा हुआ पार्ट पॉलिश्ड हो और दबा हुआ पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, मतलब दबे हुए पार्ट से हम लोग रिफ्लेक्शन का काम लें, तो उस मिरर को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉनकेव मिरर। और जिस मिरर का दबा हुआ पार्ट पॉलिश्ड हो और उभरे हुए पार्ट से हम लोग रिफ्लेक्शन का काम लें, मतलब उभरा हुआ पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो उस मिरर को क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे उसको, इस मिरर का नाम है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को, पसंद आई होगी तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करना है, नया चैनल है, वीडियो को शेयर करोगे जितना उतने लोगों तक पहुंचेगा, YouTube का एल्गोरिथम काम करेगा, है ना। YouTube फिर और लोगों को रिकमेंड करेगा, है ना। मैं अपना 100% दे रहा हूँ पढ़ाने के लिए आप लोगों को फ्री में, तो आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें। ओके, टेक केयर, बहुत सिचुएशन ख़राब चल रहा है अभी, तो अभी अपना सेहत का पूरा ध्यान रखिए, है ना, इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।